नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित यादव है। अमित जी आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा गांव स्याणा है, जिला महेंद्रगढ़। अमित जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने दया करी थी नाम दीक्षा की। अमित जी आप क्या करते हैं? सर मैं CRPF में हूँ और फिलहाल संत रामपाल जी महाराज की दया से NSG मानेसर के अंदर में कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? बिल्कुल जी, मैं शंकर भगवान का बहुत ही ज़्यादा उपासना करता था और बचपन से ही मैं सोमवार के व्रत करता था और कावड़ भी, मैं 3 बार कावड़ भी लेके आया हूँ। उसके बाद में मेरे को ऐसी इच्छा हुई कि कोई गुरु बनाना चाहिए, तो शंकर भगवान की साधना करते करते मैं गुरमीत राम रहीम को अपना गुरु बनाया। उनकी 3-4 साल तक उनके भी मैं शरण के अंदर में रहा हूँ जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बस ये संत रामपाल जी महाराज ने इस नीच पर कैसे दया करी वो तो संत रामपाल जी महाराज ही जानते हैं। ये मेरे जीवन की बड़ी ही एक इत्तफाक है जिससे कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शरण ग्रहण करी। मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन रखता था, तो मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन करके बताया तेरे पास में काफ़ी आध्यात्मिक किताबें हैं, तू मेरे को सारी किताबें दे दे। उसने मेरे को सारी किताबें दे दी। उसके अंदर में वर्थ की भी किताबें थी और ये आसाराम बापू की भी, राम रहीम की भी सारी किताबें थी। उसी में इत्तफाक से एक किताब ज्ञान गंगा की आ गई। वो मैं किसी को नहीं पता था, उन्हें सिस्टर को पता था इसमें ज्ञान गंगा किताब है, किसी को नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज की दया से उस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो वो उस किताब को जैसे पढ़ना शुरू किया तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं सोचा भाई ये जो है ना हिंदू धर्म के कोई विनाशक हैं और ये किताब मेरे बस से बाहर है। इतना ही कह के मैंने हाथ जोड़ के और उस किताब को रख दिया, वो किताब मैंने नहीं ली। उस समय मेरी पोस्टिंग जो थी वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अंदर में थी। सुकमा जिले के अंदर हमारी 2 पोस्ट थी, गोरखा और भेजी, जिसके अंदर में भेजी 20 किलोमीटर पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, और 10 किलोमीटर के अंदर में गोरखा होता है। तो वहाँ पर खाना भी उस टाइम पे क्या था, हेलीकॉप्टर से आता था, बाकी पैदल ही जाते थे सारे के सारे। मैं एक ऑपरेटर ट्रेड से हूँ। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज की, अभी पता लग रहा था उस समय कितनी मालिक की दया थी, तो परमात्मा की दया से जैसे ही मैं अपना कंधे पे बैग है मेरा और अपने सिग्नल सेंटर के अंदर में मैं घुसा, घुसते ही क्या देखता हूँ कि एक नई ज्ञान गंगा की पुस्तक टेबल पे रखी हुई है। मेरे से बैग नहीं उतरा, मैं अचंभित हो गया, किताब मेरे क्यों पीछे पड़ी हुई है। अब इत्तफाक से उस किताब को दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैं बोला चलो क्या देखता हूँ इस किताब के अंदर में क्या है, जहाँ पर खाना भी जो है हेलीकॉप्टर से आ रहा है और उस जगह के अंदर में परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी, ज्ञान गंगा की पुस्तक उधर पहुँचा रखी। अब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर में गुरमीत राम रहीम की कटती नहीं थी सच्चा, अब पता चल गया कि सच्चाई थी, लेकिन उसके अंदर में लिख रखा था कि भई ये सारे के सारे नकली हैं। इस नीत से इतना गंदा काम होया, अभी सोचता हूँ कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने शरण में लिया अपनी में। मैं उस किताब को फेंक दिया। मैं इसलिए फेंक दिया कि मैं हर चीज़ सहन कर सकता हूँ लेकिन अपने गुरु की कटती सहन नहीं कर सकता, जबकि उसके अंदर में कटती नहीं थी। उसके अंदर में गुरमीत राम रहीम के बारे में जो लिख रखा था वो सच लिख रखा था। उसके बाद वो किताब हटा दी, मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन अंदर एक खलबली मच चुकी थी कि इस किताब में जो लिख रखा है वो बिल्कुल एकदम सत्य है, कोई भी इसके अंदर में असत्य नहीं है, असत्य नाम की कोई चीज़ नहीं इस किताब के अंदर। हालांकि फिर भी मैं मतलब कितना था कि गुरु के प्रति जो एक नकली बना रखा था उसके प्रति इतनी आस्था थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। अपने घर छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद में वापस फिर चला गया। इत्तफाक से क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ऑपरेशन के अंदर में हम गए थे, वापस आ गए वहाँ से निकलने के बाद में। अब वहाँ आने के बाद मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद में हॉस्पिटल में गया तो देखता हूँ कि वो एक किताब जो है ज्ञान गंगा फिर मेरे बैग के अंदर में। अब संत रामपाल जी महाराज ने, अभी बार बार मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई उन्होंने ही है, उस किताब को संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा को मेरे को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पढ़ाया। वहाँ से हाथ जोड़े थे कि अभी उठा लो मेरे को इधर से, और मेरे को पता लग गया मैं हॉस्पिटल में क्यों आया हूँ, अब जो है सीधा आपकी शरण में आऊँगा। यहाँ पर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैं बोला भाई मैं तो गुरु बदलूँगा, तो यहाँ पर सभी ने, घर वालों ने गुरमीत राम रहीम का नाम ले रखा था, मिसिज ने भी, बच्चों ने भी, मेरी छोटी सी बच्ची है तो वो उस समय होगी तकरीबन बोलने लायक हुई थी, तो बोली पापा यदि आपने नाम ले लिया तो गोली से उड़ा देंगे डिसम करके। अब
औरत को आगे बोला वो तो ये सोच ले कि कड़ियों के जा जा के लगे, आप कैसे गुरु बदल रहे, जोड़े के साथ लेके आए थे वो लेके आए थे, मैं अपना बैग उठाया, मैं बोला शाणी चलना है तो चल, नहीं तो ये जन्म जो है इस समय का है, बाकी आगे तू कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ मिलूंगा मेरे को पता नहीं, मैं अपने गुरु की शरण में जा रहा हूँ। जी मैं अपना बैग उठा के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। 20 फरवरी 2019 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उधर भी इतना अहम था नीच के अंदर में कि पता नहीं तू तो कितना बड़ा भगत होगा, जो कि मालिक ने उस सत्संग के दौरान वो अहम भी परमात्मा ने उधर ही जो है उसको भी तोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक दिन बस मालिक के आगे यही था परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज अरदास करी थी किसी तरह परिवार भी जुड़ जाए। 6 महीने के तकरीबन बाद में फिर फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया तो मैं बोला कहाँ पे है, बोला मैं तो आश्रम के अंदर में हूँ, मेरे को जयबंदी छोड़ के तोड़ पाड़ दिया। उसके बाद में बच्चों ने भी और मिसिज ने भी नाम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो यदि कदम कदम पे मालिक लाभ दे रहे हैं, लेकिन यदि मेरी ज़िंदगी का यदि सबसे बड़ा लाभ यदि आप सुनना चाहोगे तो मेरे बच्चे को अभी जीवन दान दिया है और उसका पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूँ, और बाकायदा आप मेरे फ़ोन नंबर पूरा एड्रेस नोट कर लें, मेरे पास में फाइलों का पूरा चिट्ठा रखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8901235039। बाकायदा नई नेटवर्क मिलता है तो व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, और गाँव मेरा सियाणा है, जिला महेंद्रगढ़, तहसील कनीना, आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जीवनदान कैसे दिया है हर कोई ये समझेगा कि भाई ये सट्टे मार रहे हैं, ये गुरुमुखी हैं, अपने गुरु की बड़ाई बड़ाई करने में लगे रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि एक बार मेरी श्रीनगर के अंदर में पोस्टिंग थी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20/4/2007 की, तो बच्चे की जैसे जन्म है उसके बाद में मैं एक दोस्त से बोला भाई इसकी जन्म पत्री निकलवा के लिया, तो उस टाइम पे बात हुई थी तकरीबन 500 के, तो 2008-09 में 500 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी, ऐसी बात नहीं है। तो उससे बात करी तो उसने मेरी जन्म पत्री बच्चे की निकाल के नहीं दी। अब मेरी पोस्टिंग हुई फिर बनारस में आके भाई का भी लड़का हो चुका था, और दोनों का मैंने नाम दिया और 200 रुपये दिए उसको, भाई ये ले जा तू और दोनों बच्चों की जन्म पत्री लेके आ जाना, एक्स्ट्रा यदि ब्राह्मण मांगेगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। अब उसने क्या काम किया, 200 रुपये मेरे को लौटा दिए, भाई के लड़के के बारे में बता दिया भाई इसके ये बात है, लेकिन इसके मेरे वाले लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया, और बोले भाई तेरे 200 रुपये वापस ले ले। मैं इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद पुणे में भी इसकी जन्म पत्री मेरे को निकाल के नहीं दी। फिर मैं घर आके चर्चा किया, यार पता नहीं क्या है इस लड़के की जो है कोई जन्म पत्री निकाल के नहीं दे रहा है। अब इसको एकदम शुगर अटैक आया, और जिस शुगर अटैक इतना भयंकर आया कि इसकी शुगर 500 क्रॉस कर चुकी थी, और इसको तुरंत NSG हॉस्पिटल के अंदर में दाखिल करवाया 19 तारीख को। 20 तारीख को इसको वेंकटेश हॉस्पिटल में रेफर किया, उसने इसको एडमिट करने से मना कर दिया। वेंकटेश वाले ने बताया 99% तो बच्चा बच नहीं सकता है, 1% बच्चा बचेगा उसके अंदर में या तो इसका पैनक्रियाज जाएगा या इसका दिमाग जाएगा। उसके बाद में उसको बोला आप जल्दी से जल्दी किसी नज़दीकी जो इस रोग की स्पेशल मशीन लगी हुई है उसके अंदर में आप पहुँच जाओ, नहीं तो खतरा हद से ज़्यादा है। अब हम दो वेंकटेश से इसको रेफर करवा के मेदांता हॉस्पिटल में लेके आए। मेदांता के अंदर में भी उन्होंने देखते ही बच्चे के पैर को उठाया, पैर गिर गया, हाथ उठाया, हाथ गिर गया, आंखें इसकी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। वो ये बोले कि 48 घंटे तक हम इसको ICU में रखेंगे और उससे पहले हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी और 12 घंटे के अंदर में बच्चा बोलने लग गया संत रामपाल जी महाराज की दया से, और उसकी रिपोर्ट मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँगा। ये है 19 तारीख के अंदर में, ये NSG हॉस्पिटल का है जिसमें एडमिट करवाया था। ये इमरजेंसी के अंदर में मेदांता हॉस्पिटल के अंदर में जिसके अंदर में एडमिट किया, और 25 तारीख को इसको डिस्चार्ज कर दिया, और डॉक्टर ने बताया कि इसका पैनक्रियाज डेड हो चुका है, लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और दिन में ये 5-5 इंसुलिन लेते थे, उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। 2 तारीख को इसकी इंसुलिन आधी होगी, मतलब कि जो 48 यूनिट इंसुलिन लेता था उसकी जगह पे इसकी 24 यूनिट इंसुलिन हो गई थी मात्र 7 दिन के अंदर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद में इसको कल जैसे हम दिखा के लाए 17 तारीख को, 17/8/2019 को हम दिखा के लाए, डॉक्टर की बाकायदा स्टेटमेंट है प्रजेंटली विद हेल्ड इंसुलिन, हालांकि डॉक्टर ने लिखा है फ्यू डेज, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसका लाइफ टाइम इंसुलिन बंद हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और ये इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, इस बच्चे को एक नई जिंदगी दी है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी इसकी शुगर की बीमारी जो खाली पेट होती है 80 से 120
वो बिल्कुल इसकी 80 से 120 के तकरीबन इसकी रहती है, अभी 100 के आसपास खाली पेट। और जब ये खाना खा लेता है उसके बाद में इसकी शुगर की रिपोर्ट तकरीबन, ये लिखी हुई है, कभी आप सोच रहे हो मैं सट्टे मार रहा हूँ, इसमें आपने दिखाई भी थी, वो तकरीबन इसकी 150 से नीचे नीचे रहती है, हालांकि 150 तक जाती नहीं है, वही 120 के आसपास ही इसकी खाना खाने के बाद में रहती है। और डॉक्टर ने अभी हमारे को सलाह दी है कि इसकी जो है शुगर रिपोर्ट खाली पेट 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और खाना खाने के बाद में इसकी 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसकी जो एक नॉर्मल जो शुगर लेवल रहता है उसी के ऊपर इसका रहता है, और बच्चा है इसलिए कभी कभी गुस्ताखी भी कर देता है। जैसे उन्होंने परहेज बताया, भाई तेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन ये चूरमा का भी परहेज जो है तोड़ देता है। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि उनकी दया से जो है इनका शुगर का एकदम सही हो चुका है, बच्चा पास में है। उससे भी आप यदि बात करना चाहो तो बच्चे से बात कर सकते हो, इसकी क्या कंडीशन थी और आज क्या है। इसका 10 केजी वेट कम हुआ है। हाँ, अभी मेरे साथ बच्चा भी आया हुआ है, जो कि अभी मतलब कि जब से इसकी 20 तारीख को 20/7 को इसका जो बीमारी हुई थी, और आज के दिन में 17 को डॉक्टर ने इसको एक तरह से क्लीन चिट दे चुकी है कि भाई अभी ये हर काम एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर सकता है, उसकी भी सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दे दी है। अभी आप बच्चे से एक बार बात करना चाहो तो बच्चे से भी कर सकते हो, अभी इसकी क्या कंडीशन है। नमस्कार जी। सच्चा है। क्या नाम है जी आपका? विनीत यादव। विनीत जी, आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से। विनीत जी, आपके पापा ने बताया कि आपको शुगर थी 537 है, जो आपकी शुगर पहुँच गई थी, आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तो क्या आज आप ठीक हैं? हाँ। कैसे ठीक हुए आप? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। क्या उम्र है आपकी आज? 12 साल। अभी इस चीज़ से क्लियर क्या होता है कि जो शुरुआत के अंदर में इसके जन्म पत्री बना के नहीं दे रहे थे, वो चीज़ अभी क्लियर हुई कि इसकी उम्र एक्चुअल 12 साल 3 महीना थी, एक्यूरेट 20 तारीख की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और 20 तारीख को इस लड़के ने जो है आईसीयू के अंदर में एडमिट हो चुका था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको उसी 20 तारीख को एक दूसरा जन्म दिया गया है, जो कि आपके सामने अभी है। यदि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज इस बच्चे से हाथ धो देते। और जी, यदि आप, ये तो एक बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको बताया है, बाकी यदि आप मेरी सर्विस के वैसे पूछना चाहोगे तो अनगिनत हैं, लेकिन चलो आपको मैं चंद डिटेल में वैसे बता देता हूँ। अभी जो मानेसर के अंदर में पोस्टिंग आया, ये संत रामपाल जी महाराज की दया रही है। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप किसका जुगाड़ लगाया है, कोई तेरा जैक जुक था क्या? मैं बोला भाई मेरा जितना जैक है उससे बढ़ के तो किसी का जैक ही नहीं है, वाकई में मेरा जैक है। तो बोला किसका है? बोला तू यार, तू अपने गुरु का नाम लेगा, इसके आगे तेरे पास कुछ है नहीं। मैं बोला इससे ऊपर भी कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं जयपुर से और सीधा पोस्टिंग गया NSG मानेसर में, जो कि मालिक से एक संत रामपाल जी महाराज से अरदास करी थी, हाँ परमात्मा एक 5 साल यदि बच्चों के साथ मिल जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। संत रामपाल जी महाराज ने वही चीज़ करी, दिल के अंदर में सोचा था, और आज NSG मानेसर के अंदर में सही 5 साल मेरे को डेपुटेशन मिली है, एक तो ये। और उसके बाद में एक बार क्या हुआ, मेरी सर्विस के दौरान ही कुछ अधिकारी के से आपस में बहस हो चुकी थी, हालांकि गलत नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती एक दबाव बनाना चाह रहा था, और एक तनाशा समझ लो या कैसे भी जैसा उचित लगे, तो हालांकि मैं अपनी एक सच्चाई की बात को रखा था, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और जो अपनी सच बात को रखा उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस करी उसके अंदर में, बेइज्जती करके उसने उससे बड़े अधिकारी को बता दिया। उस बड़े अधिकारी ने जो एक हमारा कमांडर था उसको बताया कि इसको या तो सजा दे दे या मैं तेरे को सजा दूंगा, क्लियर कट। हालांकि वो मेरे पास में आया, अच्छा आदमी था वो जो अधिकारी था, वो उसने पूछा अमित मैं तेरे साथ रह रहा हूँ हमेशा, मेरे को पता है कि तू एक सही लड़का है, तू ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से हाथ जोड़ के बताया सर सारी कहानी ये हुई है। तो उसने सजा नहीं दी, और उस चिड़ से ऊपर में जो एक बड़ा अधिकारी था वो सजा देने के लिए आ रखा था, इत्फाक से वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से, जिसने एक सेंसोर्ड होता है, हालांकि आप नहीं समझ पाओगे, बाकी यदि कोई फोर्स में सर्विस कर रहा है, सेंसोर्ड के लिए क्लियर कट लिख दिया था कि इसको सेंसोर्ड दे नहीं तो मैं तेरे को दूंगा, और वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ और एक बिल्कुल ठीक ठाक रहा, वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं कि मेरे को सजा दे दे। और बाकी तो जी सबसे बड़ी ये है, उससे पहले राम रहीम के पास में था तो एक सुनने जाते थे कि भाई आत्मिक शांति मिले हमारे को, लेकिन वो कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में सबसे बड़ा सुख यही हुआ, आत्मिक शांति मिली।
घर के अंदर में एक प्रेम भावना हुई, जो एक लड़ाई झगड़े के अंदर में समय व्यतीत होता था उसको कन्वर्ट करके एक प्रेम की भावना आई। घर वाले कोई चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज हालांकि जो पिताजी थे, मम्मी थी, वो गाली देते थे, गाली के साथ में बोलते थे। आज उन्होंने जैसे ही बच्चे के साथ में घटना हुई, उससे पहले हालांकि वो नाम लेके गए थे, लेकिन बच्चे के साथ घटना हुई तो वो मंदिर की तरफ भाग लिए। वो सोचे भाई हमने तो मंदिर छोड़ दिया तो इसलिए हमारे साथ में ये घटना हुई है। बाद में जब उनको पूरी डिटेल बताई तो फिर उसने बोल दिया भाई अब मालिक का मैं तो सीधा नाम नहीं ले सकता, उनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बोला भाई रामपाल भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो गाली देते थे उनके मुँह से ये संत रामपाल जी महाराज ने कहला दिया और बोला भाई आत्मा तो दूर नहीं है, बाकी नियम मारते नहीं निभी। हालांकि मालिक उनसे नियम भी निभवा के छोड़ेंगे, वो संत रामपाल जी महाराज कैसे करते हैं ये उन्हीं के लीला है, कैसे एक आत्मा को शरण में लेकर आते हैं वो परवरदिगार ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपके बच्चों को 537 शुगर थी और उसको दिन में 5 बार इंसुलिन लगती थी, एक बहुत बड़ी बात है 12 साल के बच्चे को शुगर होना। तो सर ये ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो रहा है और वहाँ संत रामपाल जी महाराज उन बच्चों को, उन लोगों को ठीक कर रहे हैं? सर मैं भी ये चर्चा उधर जाके करी थी, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन विज्ञान जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक छोटा सा कण है। ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अंदर से भक्ति बताते हैं और ये बताते हैं कि यदि आप सही नियमों से भक्ति करोगे और सच्चा सतगुरु हो और सच्चा नाम आपके पास में हो तो आपकी उम्र भी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से बढ़ा के दे देते हैं। इसके अंदर में जैसे चित्रगुप्त के कागज फाड़े, मतलब कि इस लड़के के कागज जो थे संत रामपाल जी महाराज ने फाड़ के और उनकी उम्र जो है अपने खुद कोटे से बढ़ाई है। सांस खुद संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी इन जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे इसके बारे में देखो कहने के लिए तो हम तो एक नीच दास हैं उस मालिक के, संत रामपाल जी महाराज के। हम किसी को संदेश तो देंगे नहीं, बाकी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ के दास से एक निवेदन है। मेरी काफ़ी लोगों से विचार विमर्श होता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं तो वो मतलब बुरा बुला बोलते हैं। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप बुरा बोल रहे हो संत रामपाल जी महाराज को, आप किस वजह से बोल रहे हो? क्या आपने पूरा उनको डिसाइड कर लिया है? बोले हाँ मीडिया कह रही है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी यदि किसी इंसान के बारे में आपको यदि फैसला लेना है तो एक तरफा बात मत सुनिए। यदि जज भी सुनता है तो दो गवाह खड़े करता है, दो से बातें सुनता है, फिर लास्ट में डिसीजन होता है। आपने मीडिया की सभी की बात सुन ली है, लेकिन क्या आपने कभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुना है? क्या कभी आपने इतनी, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी पुस्तकें निकाल रखी हैं, क्या कभी आपने पढ़ के देखा है? क्या कभी आप सच्चाई से वाकिफ हुए हो? हाथ जोड़ के एक ही समाज से निवेदन है कि आपने मीडिया की बातें सुन ली, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी सुनिए और उसके बाद में फैसला कीजिए। यदि आप जो फैसला करोगे वो आपका मान्य होगा, नहीं कि आप एक तरफा बात सुन के उस चीज़ के ऊपर में आप जाएंगे, वो आपका सही नहीं है। और जैसे ही आप किताबें पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं और उसके बाद में यदि आपकी इच्छा होती है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर आज के दिन तो बहुत ईजी है, सोशल मीडिया भी काफ़ी है और बाकी संत रामपाल जी महाराज ने तो अपनी आत्माओं के लिए तोड़ पाड़ रखे। आज के दिन तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 आता है, उसके अंदर में नीचे एक पीली पट्टी चली हुई मिलेगी आपको, उस पीली पट्टी के ऊपर में आपको नंबर मिलेंगे, फ़ोन नंबर, आप उस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपको जहाँ आप जितने नज़दीक होंगे उतने नज़दीक संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है, सेंटर खोल रखे हैं, उस नामदान केंद्र का वो आपको एड्रेस बताएगा, आप उधर जाइए, आप उस ज्ञान को पहले खुद समझिए, समझने के बाद में नामदान केंद्र पर नाम लेके आइए। धन्यवाद सर। सत साहेब।